गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 8 विषय हिंदी, जिसमें हमारा इकाई 5 है, जिसका नाम है दोहे। अब इस इकाई में हम हैं वो संत कबीर, रहीम और संत तुलसीदास। इन तीनों कवि के दोहे हैं वो देखेंगे बारी बारी से। अब ये जो दोहे हैं, इस दोहे में हमें हमारे जीवन उपयोगी जो बातें हैं वो कहने का प्रयत्न वो इन तीन कवियों ने किया है। सामान्यतर से हमें दोहे में से कुछ ना कुछ सीख है वो मिलती है। पहले के समय में ऐसे कवि और संत होते थे जो जीवन उपयोगी उपदेश है वो दोहों के माध्यम से देते थे। तो संत कबीर, रहीम और तुलसीदासों ने भी ऐसे कई दोहों की रचना है वो की है, जिसमें हमें हमारे जीवन उपयोगी बातें है वो बताई गई है। इस यहाँ पर हमें जो दोहे दिए गए हैं कबीर, रहीम और संत तुलसीदास के, इसके अंदर दानप्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों के जो बातें हैं उस बात का निर्देश हमें इस दोहों में से पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कबीर के दोहे, ये है संत कबीर। इसके बारे में हम देखें तो के संत कबीर है वो 15वीं शताब्दी के कवि है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी जो गलतियां है उस पर ठपकारा है और साथ मिल जुल कर रहने का वचन है वो दिया। टुक में देखे तो साथ में मिलकर रहने का प्रयत्न वो लोग करें, ये बात का उपदेश है वो संत कबीर ने दिया है। दोहे में हम देखे पहला दोहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि ये जो दोहा है उस दोहे में संत कबीर जो है वो हमें ये कहने का प्रयत्न करते हैं कि साई, साई यानी कि भगवान, कि हे भगवान मुझे आप इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का निर्वाह है वो कर सकूं, अच्छी तरह से अपने परिवार का गुजारा है वो घर कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे जो परिवार के लोग हैं वो भी भूखे ना रहे, और साधु न भूखा जाए कि मेरे आंगन में यदि कोई साधु संत आए तो उसे भी मैं भूखा है वो वापस न लौटा दूँ, मुझे सिर्फ इतना ही अन्न और धन चाहिए। यानी कि संग्रह है इस बात को कवि कबीर है वो नहीं मानते कि ज़्यादा, सामान्यतः हम क्या करते हैं कि ज़्यादा धन का संग्रह करते हैं, लेकिन कबीर है वो इस बात से मना करते हैं कि उसे संतोष की भावना है कि मुझे ज़्यादा धन और ज़्यादा अन्न है वो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ उतना ही चाहिए जितना मैं अपने कुटुंब यानी कि अपने परिवार का निर्माण है वो कर सकूँ, मैं भी भूखा ना रहूँ और मेरे अंगने में यदि कोई साधु संत कोई फकीर आए तो उसे भी मैं भूखा वापस ना लौटा सकूँ, मुझे सिर्फ इतना ही धन चाहिए। तो इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर संतोष की भावना है वो होनी चाहिए, ज़्यादा धन है, ज़्यादा लोभ है वो हमें नहीं करना चाहिए, जितनी हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, जितनी भी चीज़ की आवश्यकता है उतनी ही चीज़ हम ले, ज़्यादा चीज़ों का संग्रह है वो ना करें। तो इस बात की सीख हमें इस दोहे से मिलती है। कबीर का दूसरा दोहा हम देखें, बिना बिचारे जो करे सो पाछो पछताई, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। के इस दोहे के अंदर कवि कबीर है वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी मनुष्य है, जो भी नर है, वो सोचे समझे बिना बिचारे यानी कि सोचे समझे जो भी कार्य करता है तो बाद में उसे उस बात के लिए पछतावा है वो होता है। हमें कोई भी कार्य करना है तो उस कार्य पर हमें एक बार अच्छी तरह से सोचना चाहिए। तो जो भी मनुष्य है वो बिना बिचारे कार्य करता है सो पाछो पछता, यानी कि वो पीछे से है वो पछताता है। काम बिगाड़े आपनों के उसका काम है वो बिगड़ता है, जग में होत हसाई के उसका काम है वो तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ पूरे जगत में उसकी हंसी है वो उड़ाई जाती है, उसका मजाक है वो बन के रह जाता है। तो हमें
कोई भी काम है वो सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करे उसमें सबसे पहले अनेक लोगों की सीख ले, अनेक लोगों की परामर्श ले और सोच समझ कर कोई भी कार्य है वो करे, तो हमें हमारा जो काम है वो अच्छी तरह से होता है। तो यदि हम बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करते हैं तो उसके उस बात पर हमें पछतावा होता है और हमारा काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही साथ पूरी दुनिया में, पूरे संसार में हमारी हंसी मजाक है वो उड़ाई जाती है। तो यह इस दोहे में कवि ने जो भी कार्य करे वो सोच समझ कर करे उस बात का निर्देश है वो हमें देना चाहते हैं। तीसरा दोहा हम देखें कबीर का, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कि इस दोहे में संत कबीर हमें क्या कहना चाहते हैं कि कबीरा यानी कि कबीर, कबीर है वो बाजार में खड़ा है, बाजार यानी कि संसार, वो है वो इस संसार में ऐसे ही खड़ा है, मांगे सबकी खैर। के संसार रूपी यह जो हमारा जगत है, जो हमारा पूरा संसार है, उस संसार में कवि है वो सबकी खैरता, सबकी कुशलता है उसकी प्रार्थना है वो करते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कि इस जगत में मुझे किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से बैर भी नहीं है, मैं तो सब सिर्फ इस संसार में जो भी लोग हैं उसकी कार्य कुशलता की प्रार्थना है वो मैं भगवान से करता हूँ। कि कर भला सो हो भला, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचे, किसी के बारे में कार्य अच्छा करे तो भगवान खुद हमारा भला है वो करते हैं। तो इसी बात का संदेश है वो इस दोहे से कबीर हमें देना चाहते हैं कि मैं तो इस संसार में, इस बाजार में खड़ा हूँ, सबकी खैर चाहता हूँ यानी कि सबकी कुशल मंगलता की प्रार्थना है वो मैं करता हूँ, मुझे इस संसार में किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तो सबकी कुशलता की प्रार्थना करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, इस बात का संदेश हमें इस दोहे से मिलता है। अब हम देखें रहीम के दोहे, रहीम के दोहे देखें, उससे पहले उसका परिचय हम देखें। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है संत रहीम की। रहीम का पूरा नाम है वो अब्दुल हिम खान खाना है। उसने उदारता और अनुभवी थे, हिंदी में उसने अनेक बोधप्रद दोहे है वो लिखे हैं। कि रहीम है वो सबसे ज़्यादा बोधप्रद दोहे है वो उन्होंने लिखे हैं। और कहा जाता है कि जो रहीम है वो इतने बुद्धिमान थे कि अकबर के जो नौ रत्न थे उस नौ रत्न में एक स्थान था वो संत रहीम का था, और उसकी बुद्धि चतुरता से ही उन्होंने रहीम को मंत्री जैसे, मुख्यमंत्री जैसे पद पर उस उन्होंने स्थापित है वो किया था। तो इस तरह से रहीम है उन्होंने उदारता और अनुभवी के दोहे है वो ज्यादा दिए हैं। उसके दोहे में हम देखें पहला दोहा, रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगने चाही, उनते पहले वे मुए जिनमें मुख निकसत नाही। कि ये जो दुहा है उसमें रहीम है वो क्या कहना चाहते हैं कि रहीम वे नर है वो मर चुके हैं, नर यानी कि मनुष्य, ऐसे मनुष्य है उसे हम मरा हुआ मानते हैं, जो कहूँ मांगने जाए, कि जो कहीं भी कुछ भी चीज है वो मांगने जाता है ऐसा मनुष्य है, वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। उनते पहले वे मुए यानी कि उनसे पहले वे नर मर चुके हैं, जिन मुख निकसत ना ही, कि जिसके मुख से ना है वो निकलती है। कि सामान्यतः इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति के सामने अपने हाथ है वो फैलाने नहीं चाहिए, ऐसे नर है ऐसे मनुष्य है वो मर चुके हैं यानी कि जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं, जो कहीं मांगने हैं वो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे जो मनुष्य है कि कोई भी मनुष्य उनके पास मांगने जाता है तो उसके पास
उसकी सहायता होते हुए भी वो उसे सहायता है वो नहीं देता है, उसे कुछ भी नहीं देता है, तो ऐसे मनुष्य को भी वे मरा हुआ है वो मानते हैं। कि सामान्यतः क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चीज हो तो किस सामने वाले मनुष्य को उस चीज की आवश्यकता है, तो हमारे पास वो चीज होते हुए भी हम उससे वो चीज है वो नहीं देते हैं, तो उसकी जरूरत है वो हम पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य को भी रहीम ने मरा हुआ ही है वो कहा है। कि किसी भी मनुष्य को यदि कोई चीज की आवश्यकता है तो उसे यदि हम हो सके तो उसे हम देते हैं, तो ये बात है, ये संदेश है वो रहीम हमें इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे भी हो हमें किसी के सामने अपने हाथ है वो फैलाने नहीं चाहिए। दूसरे दोहे में देखें, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि रहीम कहते हैं यहाँ पर उत्तम मनुष्य है, उत्तम स्वभाव के जो मनुष्य है उसके बारे में रहीम ने हमें कहा है कि जो मनुष्य है वो उत्तम प्रकृति का है, उत्तम स्वभाव का है, उस पर बुरे संगति की कोई भी असर है वो नहीं होती है। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण दिया है चंदन के वृक्ष का, कि चंदन का जो वृक्ष है वो महकता हुआ है और उस पर असंख्य भुजंग, भुजंग यानी कि सांप, जहरीले सांप है वो चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जहर का असर है वो चंदन के वृक्ष पर नहीं फैलता है और चंदन है उसकी महकता से महकता है। तो उसी तरह से जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है वो उत्तम स्वभाव का जो मनुष्य है वो हमेशा अच्छा ही रहता है, कोई भी बुरी संगत का असर है वो उस पर नहीं होता है। तो इस तरह से मनुष्य का जो स्वभाव है उसके बारे में हमें यहाँ पर रहीम ने कहा है कि जो भी मनुष्य उत्तम प्रकृति का, प्रकृति यानी कि स्वभाव, उत्तम स्वभाव का है उस पर कुसंग यानी कि बुरी संगत का कोई भी असर है वो नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे हुए रहते हैं और उस जहर का असर चंदन के वृक्ष पर नहीं पड़ता, उसी तरह उस कुसंग का असर है वो उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य पर नहीं पड़ता है। तीसरे दोहे में हम देखें, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। कि इस दोहे में कवि है वो कहना चाहते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे स्वभाव वाले हैं, वो अपनी प्रशंसा है वो कभी अपने मुख से है वो नहीं करते हैं। कि कोई भी बड़े बड़ाई ना करे, कि जो बड़े लोग हैं वो अपनी बड़ाई यानी कि अपनी प्रशंसा खुद है वो कभी अपने मुख से है वो नहीं करता। जिस प्रकार यहाँ पर हमें हीरे का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार हीरा है उसका मोल कितना है, तो के लाख टका है, लाख रुपया उसका मोल है, लेकिन फिर भी हीरा है वो ये नहीं कहता कि मेरा इतना मूल्य है। तो उसी तरह से जो उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य है, जो अच्छे मनुष्य है, वो अपने मुख से अपनी प्रशंसा है वो कभी नहीं करते। तो इस प्रकार इस तीनों दोहों में से हमें अलग अलग प्रकार की सीख है वो मिलती है। अब आखिर में हम देखें संत तुलसीदास के दोहे, उसका परिचय देखें। ये है संत तुलसीदास। संत तुलसीदास है वो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लिखा है। कि संत तुलसीदास है वो राम भक्त कवि थे और हमारी जो सुप्रसिद्ध काव्य है, सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी रचना भी संत तुलसीदास ने है वो की है। तो अब उसके दोहे में हम देखें, उसका पहला दोहा देखें तुलसीदास का, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सनेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। कि इस दोहे में संत तुलसीदास है वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें आता हुआ देख, हम यदि किसी के घर में जाते हैं तो हमें आता हुआ देख हर्षे नहीं नैनन यानी कि उसके आंखों में हर्ष और उल्लास है वो नहीं है,
तो ऐसे घर में हमें कहीं नहीं कभी नहीं जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो सम्मान है वो सम्मान है वो होना चाहिए। यदि हम किसी के घर पे जाए और किसी को अच्छा ना लगे, अपना मुंह फुलाकर बैठ जाए, तो ऐसे घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, कि आवत हमें आता हुआ देख, किसी के हृदय में हर्ष और उल्लास है वो नहीं आता है, और उसकी आंखों में स्नेह यानी कि प्रेम, उसकी आंखों में हमारे लिए प्रेम की भावना ना हो, तो ऐसे घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे उसके घर में कंचन बरसे मेघ, यानी कि कंचन यानी कि सोना, मेघ यानी कि वर्षा, कि चाहे उसके घर में सोने की वर्षा हो रही हो, फिर भी हमें ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सोने की वर्षा का अर्थ है ज्यादा सुख साई भी, ज्यादा भोग विलास। तो इस तरह से जहाँ पर हमें हमारा सम्मान है वो हमें नहीं मिलता है, तो ऐसे घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। पर फिर भी चाहे वहाँ पर लाखों रुपये हो, लाखें कंचन यानी कि सोना है वो बरसता हो, फिर भी हमें ऐसे घर में जाना नहीं चाहिए जहाँ पर हमारा आत्मसम्मान है उसे ठेस पहुँचे। दूसरे दोहे में कहते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। कि इस दोहे में है वो तुलसीदास कहना कहना चाहते हैं कि विद्या रूपी जो धन है वो उद्यम यानी कि परिश्रम, वो परिश्रम से ही हमें हासिल होता है। कहो जो पावे कौन, कि जिस लोगों ने विद्या रूपी धन है उसे पाना है तो उसे अधम परिश्रम है वो करना होगा। बिना डुलाए न मिले जो पंखा का पौन, के पहले के समय में हम देखें जो सीलिंग फैन और टेबल फैन नहीं थे, तो उस समय राजा महाराजों के समय में पंखा है वो हाथ का पंखा था, तो हाथ में वो लेकर इधर उधर हम डुलाते हैं तो हमें हवा है वो आती है। तो उसका उदाहरण देकर संत तुलसीदास ने हमें कहा है कि विद्या रूपी जो धन है उसे यदि हमें पाना है तो उसे पाने के लिए हमें अथक परिश्रम है वो करना होगा। और ये धन है वो ऐसा है जिसका कभी बंटवारा है वो नहीं होता। हमारे पास जो हमारी धन दौलत है उसका बंटवारा तो कभी भी हो सकता है, या मानो कि दो भाइयों है तो दो भाइयों के बीच धन का बंटवारा है वो हो सकता है, मिलकत में बंटवारा हो सकता है, लेकिन विद्या रूपी जो धन हमारे पास है उसका बंटवारा कभी नहीं होता, और हमेशा आजीवन वो हमें काम है वो आता है। तो ये जो धन है विद्या रूपी धन है उसे पाने के लिए हमें अथक परिश्रम है वो करना होगा। आप आज स्टूडेंट है तो ये बात आपको खास लागू होती है कि विद्या पाने के लिए हमें अथक परिश्रम है वो करना होता है। तो इसी तरह के विद्या पाने के लिए हमें उद्यम यानी कि परिश्रम है वो करना पड़ता है। परिश्रम करे बिना हमें कोई भी चीज़ है वो आसानी से नहीं मिलती है। जिस प्रकार हमें पंखे की हवा यदि खानी है तो उसके लिए हमें हाथ है वो हिला डुलाने पड़ते हैं। तो इसी तरह इसका उदाहरण देकर कवि ने विद्या का महत्व है वो हमें समझाया है कि विद्या धन है वो सबसे उत्तम धन है। तो इसी प्रकार ये तीनों कवियों के जो दोहे हैं इसमें हमें कुछ ना कुछ अलग अलग सीख है वो मिलती है। आगे हम देखें अभ्यास में देखें तो अभ्यास में आपको ये जो प्रश्न दूसरा है यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखे, उसमें चार प्रश्न है, ये चारों चार प्रश्न आपको लिखने हैं। स्वाध्याय में देखें, स्वाध्याय में ये जो प्रश्न पहला है उसके जो पांच प्रश्न है ये पांच प्रश्न आपको आपकी बुक में लिखने हैं। थैंक यू।